यस बेटा, टुडे वी विल डू न्यूमेरिकल्स ऑन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. सी, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड. व्हेन द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इज राइजिंग एट दैट टाइम कंपनी ट्राई टू रेज फंड थ्रू डिबेंचर्स बिकॉज debentures carry a fixed rate of return, so whatever amount is left, higher amount left, will be used by the equity shareholders. ab isi concept ko samajhne ke liye hum questions karenge. see, first of all we'll do question related to favorable condition. favorable condition kab hogi? jab hamare eps ka rise hoga. when eps will increase. What is EPS? EPS is earning per share. हमने पढ़ा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव ही है कि हमारे शेयर्स का अर्निंग बढ़े. जब अर्निंग्स बढ़ती हैं तो शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज होती है. राइट, इन एनसीईआरटी वी आर गिवन वन एग्जाम्पल. आई डू दैट एग्जाम्पल ओनली. कंपनी एक्स लिमिटेड इज गिवन और उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है बेटा हमारे पास. टोटल फंड जो रिक्वायर्ड है वो है ₹30 लाख. इंटरेस्ट रेट जो गिवन है हमारे पास, जो बॉरोइंग्स हम करेंगे इन द फॉर्म ऑफ डेट, दैट इंटरेस्ट रेट इज गिवन 10% पर एनम. इंटरेस्ट का रेट है 10% पर एनम. देन हमारे पास टैक्स रेट गिवन है. टैक्स रेट गिवन है 40%. एंड वी आर गिवन ईबीआईटी व्हिच इज आवर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. हमारी अर्निंग हमें गिवन है ₹4 लाख. ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास प्रपोर्शन गिवन है डेट का इन टोटल फंड. हमने पढ़ा है कैपिटल स्ट्रक्चर में हमारे पास दो तरह के फंड जो हैं वो अवेलेबल हैं. वन इज डेट एंड अदर इज इक्विटी. और इनका एक प्रपोर्शन सेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर सही कैपिटल स्ट्रक्चर सेट हो जाता है देन अर्निंग पर शेयर राइजेस. और इस केस में वही प्रपोर्शन पढ़ेंगे कि अर्निंग राइज हो रही है. अर्निंग राइज हो रही है दैट मीन्स कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में, क्योंकि हम फेवरेबल कंडीशन पढ़ेंगे सबसे पहले, हम ये देखने को मिलेगा जो हमारा आरओआई है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इट इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट. वो कॉस्ट ऑफ डेट से क्या होगा, ज्यादा. अब हमारे पास डेट के प्रपोर्शन गिवन है. सिचुएशन वन कह रही है मान लो कंपनी एक भी डिबेंचर इशू नहीं कर रही है, एक भी डेट नहीं है, डेट निल है. यानी जो हमारा पूरा का पूरा कैपिटल यूज हो रहा है, फंड यूज हो रहा है, वो शेयर्स की फॉर्म में ही है. वट एवर इन्वेस्टमेंट आर बींग रिक्वायर्ड दे आर इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर. सेकेंड सिचुएशन है बेटा हमारे पास सिचुएशन टू, जहां पर हमारे पास डिबेंचर्स है 10 लाख रुपीज के. अब अगर मुझे बताओ सिचुएशन टू में हमारे पास डिबेंचर 10 लाख के हैं तो हमारी इक्विटी कितने की हो जाएगी, रिमेनिंग 30 लाख. अगर हमारे को टोटल फंड की रिक्वायरमेंट है 10 लाख का, अगर हमारा डेट है तो हमारे पास इक्विटी की रिक्वायरमेंट हो जाएगी 20 लाख. राइट, नाउ सिचुएशन थ्री, लेट से नाउ वी आर हैविंग डेट ऑफ 20 लाख. यानी जो हम फंड यूज करेंगे अपने बिजनेस में उसको रेज करेंगे हम डिबेंचर्स के थ्रू 20 लाख. रिमेनिंग जो हमारे पास अमाउंट है वो इक्विटी का हो जाएगा. अभी तक मैंने सिर्फ क्वेश्चन ही समझाया है, आई हैव नॉट स्टार्टेड विद द आंसर.
दिस इज द क्वेश्चन विच इज गिवन इन योर बुक एनसीईआरटी बुक, और ये फेवरेबल कंडीशन का दिया, यानी यहाँ पर जो हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है इट इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट. अब इसमें बेटा हम टेबल बनाएंगे, इस टेबल को वी विल नेम ईबीआईटी एंड ईपीएस एनालिसिस, ईबीआईटी का अर्निंग पर शेयर के साथ एनालिसिस. दिस क्वेश्चन कैन कम इन बोर्ड एज वेल, बोर्ड में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आप न्यूमेरिकल खुद से डिराइव करो, या आपको ऑलरेडी एक न्यूमेरिकल दे दिया जाएगा और बोला जाएगा बताओ ये कंडीशन फेवरेबल है या अनफेवरेबल है. तो पहला कॉलम बेटा हमारे पास है पर्टिकुलर्स, दूसरा सिचुएशन वन, तीसरा सिचुएशन टू, तीसरा सिचुएशन थ्री. वी आर हैविंग थ्री सिचुएशंस हियर. Already you people know how to calculate earning after tax. Accountancy में ये chapter है financial management, जहाँ पर हम companies का format follow करते हैं and we calculate profit after tax. So profit before interest and tax and EBIT, earning before interest and tax is same. EBIT हमें कितना given है इस question में? 4 lakh. EBIT कितना given है? 4 lakh. तो सब जगह तीनों सिचुएशन में हमारा ईबीआईटी सब सेम रहेगा, इट विल बी 4 lakh, राइट. नेक्स्ट स्टेप है बेटा, हमें इसमें से सबसे पहले माइनस करना है अपना इंटरेस्ट. अब इंटरेस्ट बच्चे तभी कैलकुलेट होगा जब हमारे पास डेट होंगे. तो पहली केस में तो फर्स्ट सिचुएशन में वी डोंट हैव एनी अमाउंट ऑफ डेट. So that means in that case our amount of interest will be nil. We will not have any amount of interest. इस केस में हमारा इंटरेस्ट जो है वो क्या हो जाएगा? Nil हो जाएगा. Second situation में हमारे पास debenture है 10 lakh rupees के. This is the total value of debenture, face value of debentures. Now we have to calculate 10% of this amount of debenture. So as to know the amount of interest. अब हमारे पास इंटरेस्ट कितना आ रहा है? इंटरेस्ट इज 1 lakh. ये हमारा डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट आ गया. हमारे पास थर्ड सिचुएशन में हमारे जो डेट है दैट इज फॉर 20 lakh. तो 20 lakh का 10% हमारा इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 20 lakh का 10% आर इंटरेस्ट विल बी 2 lakh. बेटा जब हम ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और इसको अपने ईबीआईटी में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट ईबीटी, दैट इज अर्निंग बिफोर टैक्स. इंटरेस्ट तो माइनस हो गया, सो नाउ इट इज नॉट बिफोर इंटरेस्ट, इट इज ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले की हमारी अर्निंग. अब अमाउंट कितना आ जाएगा बेटा इसका? इट इज 4 lakh. फर्स्ट केस में सिचुएशन वन में, सेकेंड सिचुएशन में इट इज 3 lakh, एंड इन फोर्थ थर्ड सिचुएशन इट इज 2 lakh. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर कि हमने पहले ईबीटी कैलकुलेट किया. वंस वी हैव कैलकुलेटेड ईबीटी, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? हमें अर्निंग आफ्टर टैक्स निकालना. दैट मींस नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट आवर टैक्सेस. और टैक्स किस पर कैलकुलेट होगा बेटा? हमें जो टैक्स का रेट गिवन है 30%, इट विल बी कैलकुलेटेड ऑन ईबीटी, जो हमारा अर्निंग बिफोर टैक्स है उसके ऊपर कैलकुलेट होगा. सो हमारा अर्निंग बिफोर टैक्स फर्स्ट केस में कितना आया? 4 lakh. तो 4 lakh का अगर हम 30% करेंगे इट विल बी 1 lakh 20. सेकेंड सिचुएशन में 3 lakh का 30% करेंगे इट विल बी 90,000. दिस इज आवर टैक्स अमाउंट. हमेशा हमारा टैक्स ईबीटी पर कैलकुलेट होता है, एंड इन लास्ट केस इट विल बी 30% ऑफ 2 lakh, दैट इज 60,000. अब हमने अपना टैक्स भी माइनस कर दिया,
क्योंकि जो भी डिविडेंड मिलता है शेयर होल्डर्स को वो आफ्टर सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स मिलता है. ये कंपनी का टैक्स है जो सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम. नाउ व्हाट वी विल गेट, नाउ वी विल गेट अर्निंग आफ्टर टैक्स. दिस इज आवर अर्निंग आफ्टर टैक्स. कितना अमाउंट आ गया हमारे पास अर्निंग आफ्टर टैक्स? इट इज 2,80,000 फर्स्ट केस. सेकेंड केस इट विल बी 2,10,000. थर्ड केस इट विल बी 1,40,000. अब अर्निंग आफ्टर टैक्स क्यों चाहिए था? क्योंकि हमारा ईपीएस का फॉर्मूला क्या है? अर्निंग पर शेयर. हमें शेयर होल्डर की वेल्थ का पता लगाना है कि शेयर होल्डर की वेल्थ कितना टाइम बढ़ी है, पर शेयर हमारी अर्निंग कितनी है. उसी को कैलकुलेट करने के लिए हमने पहले अर्निंग आफ्टर टैक्स, ये दिस इज आवर टोटल अर्निंग जो कैलकुलेट की है. नाउ टू कैलकुलेट ईपीएस, हमारा फॉर्मूला क्या है ईपीएस का? इट इज अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, राइट. अब हमें अपना ईपीएस कैलकुलेट करना है. अब यहाँ बच्चों को एक डाउट और रहता है कि हमारे शेयर्स कितने होंगे. ये तो रुपीज में गिवन है, प्लीज टेक केयर, ये रुपीज में गिवन है. इट इज गिवन इन रुपीज एंड आई एम हेयर आस्किंग यू टू टेक नंबर. आई एम नॉट आस्किंग यू टू टेक द अमाउंट इन रुपी. हेयर यू हैव टू टेक द नंबर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाय द कंपनी. तो देखो पहले केस में तो बेटा हमारे पास जीरो डिबेंचर्स हैं. फर्स्ट केस में हमारे पास जीरो डिबेंचर है. टोटल अमाउंट हमारा इन्वेस्टेड 30,00,000 है. अगर पर शेयर, हमेशा पर शेयर इक्विटी शेयर्स की वैल्यू इन जनरल वी टेक दिस फेस वैल्यू एज ₹10, तो बताओ फर्स्ट सिचुएशन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने आ गए. अगर हम 30,00,000 को 10 से डिवाइड करेंगे इट विल बी 3,00,000. तो यानी पहली सिचुएशन में अपना ईपीएस कैलकुलेट करने के लिए हम 2,80,000 को किससे डिवाइड करेंगे? वी विल डिवाइड दिस 2,80,000 विद 3,00,000 रुपीज, सो एज टू नो कि हमारी अर्निंग पर शेयर कितना हुआ है. सो व्हाट विल बी आवर अर्निंग पर शेयर? आवर अर्निंग पर शेयर इज स्टैंडिंग एट 0.93. पहले केस में हमारी ईपीएस कितना आ रहा है? 0.93. सेकेंड केस में बेटा अगेन लुक वेरी केयरफुली, हमारे पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर सेकेंड केस में है 20,00,000. ये रुपी है, अमाउंट है. अगेन दीज रुपीज नीड टू बी डिवाइडेड बाय 10 टू नो द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर. द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने आ जाएंगे हमारे पास? 2,00,000. Now this 2,10,000 will be divided by 2,00,000 rupees. अब बेटा इस केस में हमारा EPS देखो, अब डिबेंचर एक कॉम्पोनेंट एड हो गया 10,00,000 रुपीज का, जिससे हमारा EPS बढ़ गया, हमारा EPS राइज हो गया. Now it is 1.05. तो देखो शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज हो रही है, अर्निंग पर शेयर बढ़ रही है. बढ़ने का रीजन क्या है कि हमारे पास डेट का एक कंपोनेंट आ गया कैपिटल यूज में. डिबेंचर इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस बिकॉज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर समवेयर हेल्प अस टू रिड्यूस आवर टैक्सेस. और टैक्सेस कैसे रिड्यूस होते हैं? क्योंकि आपने जब इंटरेस्ट माइनस किया, यू कैन सी यहाँ आपका टैक्स रिड्यूस हो गया. और यही बेनिफिट जो यहाँ पर हुआ है टैक्स रिडक्शन से, वो बेनिफिट किसको मिल गया? इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिल गया. सो देयर अर्निंग पर शेयर इंक्रीज. इन लास्ट केस वी आर हैविंग आर अर्निंग पर शेयर 1,40,000. अब बच्चा डर जाता है देख कर के, अर्निंग तो भैया इन रुपीज इट विल से इट इज 1,40,000. But when we are dividing it with the number of equity shares held, then we can say this amount is EPS is rising. अब इस केस में देखो हमारे पास 10,00,000 equity
का अमाउंट है कैपिटल का, वी आर डिवाइडिंग इट विद फेस वैल्यू 10. हमारे पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आ गए 1 लाख. नाउ यू कैन सी अगेन द अर्निंग पर शेयर हैज इंक्रीज, और अभी इंक्रीज बेटा कितने का है, दिस इंक्रीज इज फॉर 1.40 टोटल, 0.35 का और अर्निंग पर शेयर बढ़ गया. यही तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि उसके शेयर्स का प्राइस, अर्निंग और प्राइस दोनों बढ़ने चाहिए. अब देखो अर्निंग बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली शेयर का मार्केट प्राइस बढ़ेगा, तो हम अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाएंगे शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का. तो बेटा ईपीएस बढ़ने का रीजन हर केस में इसीलिए है कि हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ डेट से ज्यादा, ये मैंने यहाँ लिखा था. पर ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारे कॉस्ट ऑफ डेट से ज्यादा है? हमारा कॉस्ट ऑफ डेट बेटा 10% है, दिस इज देयर ऑन द स्क्रीन. ROI वी हैव टू कैलकुलेट. ROI का फॉर्मूला यू मस्ट हैव डन इन अकाउंटेंसी एज वेल, कि हमारी इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न आएगा. हमारी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न आ रहा है 4 लाख का, विच इज आर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. अकाउंट में भी राइट इट एज PBIT, दैट इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. 4 लाख का हमें रिटर्न आ रहा है, और जो हमारी टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है विच इज टोटल ऑफ डेट एंड इक्विटी ओनली, दैट इज 30 लाख. राइट, अब अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा ROI आएगा बेटा इस केस में 4 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख इनटू 100, 13.33%. तो क्या हम इस सिचुएशन में देख पा रहे हैं कि जो हमारा कॉस्ट ऑफ डेट है दैट इज 10%, और जो हमारा ROI है दैट इज 13.33%. तो इसी सिचुएशन की वजह, इसी स्टेट की वजह से, सभी सिचुएशन में व्हेन वी आर इंक्रीजिंग आवर डेट, विद दैट इंक्रीज इन डेट हमारा ईपीएस भी राइज कर रहा है. ठीक है, सी इन दिस केस वी हैव स्टडीड दैट ROI इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट. अभी हमने कैलकुलेट भी करके देखा था, आर ROI वाज कमिंग एज 13.33%, जबकि हमारा कॉस्ट ऑफ डेट है वो गिवन है 10%. इसलिए जब भी हमने यहाँ पर डेट को इंक्रीज किया, हमारा अर्निंग पर शेयर बढ़ गया. नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट सिचुएशन विच इज फॉर अनफेवरेबल. अभी जो हमने केस पढ़ा दैट वाज फेवरेबल कंडीशन, दिस वाज फेवरेबल कंडीशन जो हमने अभी पढ़ी है यहाँ पर. This is a favorable condition जहां पर हमारा EPS जो है, EPS हमारा ज्यादा है. और रीजन क्या है ज्यादा होने का, कि हमारा ROI हमारे कॉस्ट ऑफ डेट से इंक्रीज था, ग्रेटर था. Now coming to the next situation, which is unfavorable. Unfavorable means now when we increase the component of debenture in our organization, instead of increasing EPS, we will be having EPS which will be falling, will be decreasing. Hamara jo EPS hai wo decreasing hoga, falling hoga, reducing hoga, reduction aayega hamare EPS mein. With every increase in the amount of debentures. अब ऐसा क्यों होगा? Reason है, in this case ROI, जो हमारा return on investment है, it is less than cost of debt. यानी हमारी cost ज्यादा है debt की, interest rate ज्यादा है, और जो हमारा return आ रहा है investment पे वो कम है. Taking it from NCRT, the example which is given, we are having company Y Limited.
अगेन वी आर गिवन सिचुएशंस सिचुएशन वन सिचुएशन टू सिचुएशन थ्री हमें सिचुएशंस गिवन है. अब इस केस में ईबीआईटी हमारे पास 4 लाख नहीं है, अमाउंट ऑफ ईबीआईटी इज 2 लाख. रेस्ट वील टेक एवरीथिंग सेम फेवरेबल या अनफेवरेबल. अगर आपको बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है इट्स ओनली चेंज इन ईबीआईटी. अगर खुद से क्वेश्चन फ्रेम करना है देन वी कैन यूज द एग्जाम्पल गिवन इन एनसीईआरटी. इन फर्स्ट केस वी हैव टेकन ईबीआईटी एज 4 लाख. अनफेवरेबल में हमने अपना ईबीआईटी लिया 2 लाख. इंटरेस्ट इंटरेस्ट का रेट हम सेम लेंगे, इट इज 10%. इन ऑल द केसेस वी विल टेक इंटरेस्ट रेट एज 10%. इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन डेट. ये जो इंटरेस्ट का रेट गिवन है इट इज गिवन ऑन डिबेंचर्स. जो हम डेट इशू करेंगे उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट गिवन है 10% इन ऑल द सिचुएशन. हमारे पास जो फंड रिक्वायर्ड था इट वॉज गिवन लेट से टोटल अमाउंट इज 30 लाख. इसी का ब्रेकअप लिख लेते हैं आउटर कॉलम में. ब्रेकअप हमारे पास क्या है बेटा, फर्स्ट सिचुएशन में वी आर टेकिंग आवर डिबेंचर्स एज निल. हम अपने डेट को निल लेकर चल रहे हैं. सेकेंड केस में वी आर टेकिंग आवर डिबेंचर एज 10 लाख. जब 30 लाख में से 10 लाख के डिबेंचर्स हो जाएंगे व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ इक्विटी, इक्विटी विल बी फॉर 20 लाख. नेक्स्ट केस व्हेन वी आर टेकिंग डेट एज 20 लाख हमारा इक्विटी कितना आ जाएगा 10 लाख. नाउ द टैक्स रेट इज गिवन. टैक्स रेट बेटा हमें गिवन है 30% इन ऑल द थ्री केसेस, ऑल द थ्री सिचुएशंस. नाउ व्हेन वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन अगेन I'm not making the table again. I'm using this table जहाँ question है. यही I am starting with my solution because I have to draw this table again. EBIT is given beta in all the three cases. It's given 2 lakh. हमारे पास तीनों ही situations में earning before interest and tax given है 2 lakh. नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इंटरेस्ट. सो इंटरेस्ट इन फर्स्ट केस इज जीरो. व्हाई इट इज जीरो, बिकॉज वी डोंट हैव डिबेंचर्स इन द फर्स्ट केस, सो इट विल बी निल. सेकेंड केस में वी आर हैविंग डिबेंचर्स फॉर 10 लाख. तो 10 लाख का 10% कितना इंटरेस्ट हो जाएगा, it will be 1 lakh. And in last case we are having debentures for 20 lakh. So 10% kitna ho jayega 2 lakh. So after subtracting interest what we get, we get earning before tax EBT. Earning before tax kitna aa gaya beta hamare paas, EBT in first case is 2 lakh, in second case it is 1 lakh, in third case hamara EBT nil ho gaya, no amount of earning before tax. Now we have to levy tax. Tax is levied on EBT.
30% कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट केस में, सो इट विल बी 30% ऑफ 2,60,000, देन 30% ऑफ 1,00,000, इट विल बी 30,000. जब इनकम ही जीरो हो गई, प्रॉफिट ही जीरो हो गया, टैक्स भी क्या हो जाएगा, जीरो, इट विल बी निल. आफ्टर दिस व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट अर्निंग आफ्टर टैक्स. इसके बाद हमारे पास आ जाएगी हमारी अर्निंग आफ्टर टैक्स. सो इन फर्स्ट केस हमारी अर्निंग कितनी आएगी बेटा, फर्स्ट केस में it will come 1,40,000. In second case, earning after tax is 70,000. And in third case, our earning is nil. कुछ earning नहीं हुई, earning zero हो गई. After getting earning after tax, the next step is calculation of EPS. I just told you the formula. Formula is earning after tax divided by number of equity shares. तो पहले केस में तो हमारे पास सारे ही इक्विटी शेयर्स हैं, 30 लाख रुपीज है. उसको अगर हम डिवाइड करते हैं 10 से तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे बेटा 3 लाख. जब हम इसको 3 लाख से डिवाइड करेंगे, हमारे पास हमारा अर्निंग पर शेयर कितना कैलकुलेट होके आ रहा है, इट इज कमिंग 0.47. नेक्स्ट केस में हमारे पास अर्निंग आफ्टर टैक्स है 70,000 और अब हमारे पास कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं, 20 लाख इक्विटी का अमाउंट है, शेयर कैपिटल का टोटल. दिस 20 लाख विल बी डिवाइडेड बाय 10 to know the number of equity shares, which is 2 lakh. अब जब हम 2 lakh से divide कर रहे हैं, we can see our EPS is falling. Now it is standing at 0.35. Last case में तो बेटा हमारा EPS zero ही हो गया. Now we can see, जब हमारा ROI कम है हमारे cost of debt से, यानी हमारी income कम है, rate of return कम है और हमारा debt 10% है. आप देखिए ROI कितना है हमारा इस केस में, EBIT is given 2 lakh and our total investment is 30 lakh which is known as capital employed multiplied by 100. अब यहाँ कैलकुलेट करके पहले हम ये देखते हैं हमारा ROI कितना आ रहा है, और अगर हमारा ROI 10% से कम आ रहा है, यानी हमारा रिटर्न कम है, अगर हमारा रिटर्न कम है, then it is not advisable to issue more of debentures because it is leading to now increasing fixed operating, sorry, it is going to increase our burden, fixed obligation will rise. Already the firm is having lot of operating expenses and other expenses. जिनका बर्डन पीएनएल पर है, अगर उसके साथ हम लोग डिबेंचर्स का इंटरेस्ट भी पे करते हैं तो वो हमारे पीएनएल पे बर्डन को और बढ़ा देगा और हमारा जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर है, वो बढ़ने की बजाय कम होना शुरू हो गया. वी कैन सी वी आर हैविंग आरओआई ऑफ 6.6%, जबकि जो हमारा कॉस्ट है, जो हमारा कॉस्ट ऑफ डेट आ रहा है, दैट इज कमिंग 10%. तो देखो कॉस्ट ज्यादा है, रिटर्न कम है, और कॉस्ट और रिटर्न हम अपने बेनिफिट को तो कंपेयर करेंगे बिफोर इशूइंग डिबेंचर्स. सो दीज आर द टू न्यूमेरिकल्स, आई होप दे आर क्लियर.